गाइज वेलकम बैक टू कार केमिस्ट्री। सो दिस इज आकांक्षा ऑटोमोबाइल्स चंपावत आउटलेट। ये बेसिकली एरिना आउटलेट है, बट आपको यहाँ पे जो भी नेक्सा की कार्स मिल जाएंगी आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। ये डैनी उप्रेती जी यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ है न्यू मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ इट्स टॉप मॉडल। इट इज लुकिंग मच मोर स्पोर्टियर देन इट्स प्रीवियस जनरेशन। तो गाइज आपको इसमें काफी ज्यादा चेंजेस फील होंगे। इसकी राइड क्वालिटी काफी इंप्रूव की गई है, सस्पेंशन सेटअप काफी इंप्रूव किया गया है, क्लच और ब्रेकिंग में भी इसमें काफी ज्यादा वर्क किया गया है। और गाइज आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बलेनो की जो आउटर शेल बॉडी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। तो इसमें आपके कर्ब वेट में आपको 5% का इंक्रीज आपको अब मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ये काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाता है, और इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए गए हैं। और गाइस साथ ही साथ आपको इसमें 3 साल का मारुति सुजुकी कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को मोबाइल के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ आपको जियो फेंसिंग का फीचर भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से अगर आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर रडार्स के बाहर है तो वहां पे आपको जो है अलर्ट सिस्टम आपको मिल जाएगा। एंड गाइज दिस इज अल्फा मॉडल ऑफ बलेनो। सो गाइज आप देखते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल को, और फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो गाइज दिस इज द लुक ऑफ फ्रंट प्रोफाइल ऑफ बलेनो टॉप मॉडल। यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। जैसे ही आप फर्स्ट गियर डालेंगे तो ये कैमरा अपने आप डिस्प्ले में वर्क करेगा। और नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, LED फॉग लैम्प्स है। यहाँ पे आपको 3 LED DRLs का सेटअप मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पे मेन लाइट आपको LED प्रोजेक्टर में मिल जाएगी, जो कि ऑटो फंक्शन के साथ आती है, और आपको जो है हैजार्ड लाइट के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन में दिए गए हैं। तो गाइस प्रीवियस जनरेशन की अपेक्षा यहाँ पे काफी बोल्ड और स्पोर्टी गाड़ी यहाँ पे लग रही है। और सीधे चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आपको 16 inches के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एलॉय व्हील्स का लुक इसमें चेंज कर दिया है, और यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे आपको यहाँ पे कैमरा भी अवेलेबल किया गया है। 360 डिग्री का इसमें पूरा व्यू आ जाता है। और यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड भी आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल कराया गया है, और यहाँ पे क्वार्टर ग्लास आपको दिख जाएगा। सो गाइज दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ ऑल न्यू बलेनो अल्फा वेरिएंट। यहाँ पे आपको पीछे एंटीना मिल जाता है, पावर एंटीना मिल जाता है, वहीं पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, और नीचे आपको डिफॉगर और वाइपर भी इसमें अवेलेबल किया गया है। यहाँ पे नेक्सा की गाड़ी है तो नेक्सा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, और यहाँ पे बलेनो के जो फॉन्ट है उनको भी चेंज किया गया है, काफी बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स जो है इसकी पूरी LED सेटअप यहाँ पे मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो, उसके ऊपर आपको बैक कैमरा भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, और उसी के नीचे आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। सो गाइज बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, जिसमें आप अपना सामान लोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक लगेज लैंप मिल जाएगा, मैन्युअली आप इसको ओपन कर सकते हैं, और एक हुक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो द बूट स्पेस ऑफ बलेनो अल्फा वेरियंट इज 318 liters। यहाँ पे बूट मैट भी आपको प्रोवाइड की गई है, और देखते हैं इसका स्पेयर टायर कितने इंचेस का आपको मिल जाता है। सो स्पेयर टायर आपको यहाँ पे R15 inches का मिल जाता है, और बाकी के जो टायर्स हैं वो एलॉय के दिए गए हैं, स्पेयर टायर आपको नॉर्मल मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे अगर हम स्प्लिट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो भी दिया गया है। यहाँ पे एक लीवर की हेल्प से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, और अगर 3 पैसेंजर हैं तो 3 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, और बाकी अपना कन्वीनियंटली अपना सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो गाइज इंटीरियर में जाने से पहले यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड भी। बात करें अगर इसके डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल का यूज किया गया है, और यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश में ब्लू कलर का मटेरियल यूज किया गया है ये अनलॉक करने के लिए गाड़ी को। और यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ से गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से लेफ्ट और राइट अपने ORVMs को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये UV कट ग्लास आपको इसमें मिल जाता है, UV के जो भी रेज हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर एंटर नहीं करेंगी।
कीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही की स्मार्ट की मिल जाती हैं और यहाँ से आप अपनी मैनुअल की को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉक और अनलॉक का आपको इसमें बटन ऑफर किया गया है। सो गाइस, बात करें अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की तो यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मोड्स और वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं, ट्रैक चेंज करने के कंट्रोल मिल जाते हैं और म्यूट के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे कॉल पिकअप, कॉल कट करने के और वॉइस के कमांड्स यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे देखें तो राइट साइड आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फंक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है और हेडलैम्प्स के ये कंट्रोल्स हैं। बाकी लेफ्ट साइड आपको वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बीच में आपको यहाँ पे MID मिल जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में और स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आपको मैनुअल थीम में यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। बात करें अगर ड्राइवर साइड सनशेड की तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है विद लाइट और बीच में भी आपको दो लाइट्स ऑफर की गई हैं वन टच के साथ। और यहाँ पे भी आपको को ड्राइवर साइड भी आपको एक मिरर और एक लाइट आपको अवेलेबल कराई गई है। बाकी ग्रैब हैंडल्स आपको तीनों ही साइड मिल जाएंगे और बीच में भी एक लाइट आपको ऑफर की गई है। को ड्राइवर साइड के डोर ट्रिम में भी आपको यहाँ पे लेदर अपॉलस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश है, ये भी लेदर सॉफ्ट टच है, ये ग्लॉसी ट्रीटमेंट का यूज किया गया है। और यहाँ पे भी आप 1 लीटर बोतल होल्ड कर सकते हैं और मैगजीन का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर की हाउसिंग आपको दी गई है। और देखें इसका अगर ग्लव बॉक्स, तो ग्लव बॉक्स एवरेज आपको यहाँ पे स्पेस ऑफर किया गया है। ग्लव बॉक्स में इल्यूमिनेशन का फंक्शन भी दिया गया है, लाइट आपको एक ऑफर की जाती है ग्लव बॉक्स में, तो ग्लव बॉक्स का स्पेस भी एवरेज है। और सीट्स की कुशनिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, साइड सपोर्ट भी अच्छा इसमें ऑफर किया गया है। और यहाँ पे नीचे आपको एक सॉकेट मिल जाता है, सिगरेट लाइटर का पोर्ट है और एक यहाँ पे USB पोर्ट आपको ऑफर किया गया है। बीच में यहाँ पे आप फोन होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है, 2 कप होल्डर का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है सेंटर कंसोल में। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और एक रिवर्स गियर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। ये हैंड ब्रेक हो गया इसका, ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आपको इसका हैंड रेस्ट मिल जाता है और इसके अंदर भी आप अपना थोड़ा सा सामान स्टोर कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 2 लीवर मिल जाते हैं, एक बोनट ओपनिंग के लिए और एक फ्यूल लिड ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ही जो बटन्स हैं वो इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं। पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ये आपका हाइब्रिड इंजन ऑफ और ऑन करने के लिए दिया गया है। ये आपको इस बटन की हेल्प से आप अपनी टच स्क्रीन में पूरा अपनी सराउंडिंग का व्यू जो है वो देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने टच कर दिया और पूरा जो भी सराउंडिंग का व्यू है वो आपको अपनी टच स्क्रीन में यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन दिया गया है। बाकी हेडलाइट लेवलर का यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है। HUD का बटन दिया गया है, जैसे ही आप क्लच से गाड़ी ऑन करेंगे उसके बाद बाहर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हेड्स अप डिस्प्ले जो है बाहर आपकी आ जाएगी। और गाइज यहाँ पे बीच में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, काफी बढ़िया इसका टच रिस्पॉन्स है। और जैसे ही गाड़ी आप ऑन करेंगे तो आपको पूरा जो सराउंडिंग का व्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका जो होम थीम है वो कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे वॉच मिल जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपकी मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी आपको डिस्टेंस टू MT कह सकते हैं आप, और यहाँ पे डेट एंड टाइम मिल जाएगा और यहाँ पे बाकी तमाम फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। देख लेते हैं सेटिंग्स में क्या क्या मिल जाता है। डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, कीपैड आप लॉक कर सकते हैं ड्राइविंग करते टाइम, ऑन ऑफ कर सकते हैं उसे, और काफी इसमें ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे व्यू वाला बटन प्रेस करते हैं तो आपके टच स्क्रीन में जो भी इसका सराउंडिंग का व्यू है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस बटन की हेल्प से आप चेंज कर सकते हैं अपना जो भी पर्सपेक्टिव है, व्यू आप जो भी देखना चाहते हैं। सेटिंग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे गाइडलाइन डिस्प्ले हो जाएगी, गाइडलाइंस को आप ऑफ करना चाहें तो यहाँ एक बटन की हेल्प से उसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फ्रंट का व्यू केवल लेना है तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, और बाकी फ्रंट का और साइड का लेना है तो इससे चेंज कर सकते हैं। और रिवर्स में अगर आपको
आपको सिर्फ रिवर्स का ऑप्शन चाहिए, कैमरा एंगल चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अपनी ओपनिंग डिस्प्ले अगर जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हैं उसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें भी काफी ज्यादा इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं कैमरा एंगल्स के, क्योंकि इसमें आगे फ्रंट में भी एक कैमरा दिया है, साइड में ORVMs में भी कैमरा दिया गया है और पीछे भी आपको कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा एंगल्स जो है आप इस टच स्क्रीन की सेटिंग्स में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है हैजार्ड लाइट का एक डेडिकेटेड बटन, वहीं पे आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं साइड में, और इसकी सराउंडिंग में आपको सॉर्ट ऑफ ग्रेइश आपको फिनिश मिल जाती है। उसके ही नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी जो वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे बटन्स की हेल्प से आप ऑफ कर सकते हैं, ऑटो एसी ऑन कर सकते हैं। फ्रंट के पैसेंजर के लिए अगर एसी डेडिकेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और रियर के लिए यहाँ से। तो ये काफी इसमें कन्वीनियंट आपको फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं, टच स्क्रीन में भी और नीचे एसी में भी। और बाकी यहाँ पे आपको ऑटो आपका डे एंड नाइट ORVM मिल जाता है, तो ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट फीचर बन जाता है रात को अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं। सो गाइस बात करें अगर इसके सीट कंफर्ट की, पर्टिकुलरली आगे की सीट्स की, तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट काफी बढ़िया मिल जाता है। मेरी हाइट 5'10" है तो उस हिसाब से मुझे काफी बढ़िया थाई सपोर्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, और यहाँ पे लेग स्पेस भी काफी एम्पल अमाउंट का दिया गया है। सीट की कुशनिंग काफी बढ़िया है, साइड सपोर्ट भी आपको बढ़िया दिया गया है, तो कॉर्नर्स में आप किसी भी साइड को यहाँ पे टिल्ट नहीं होंगे। तो गाइस अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में, देखते हैं वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है। चुके हैं बलेनो अल्फा वेरियंट के रियर प्रोफाइल में, रियर फ्रंट का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, काफी बढ़िया और कूल लुक्स इसमें फ्रंट के आ रहे हैं। और पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको चारों ही जो इसके हेडरेस्ट हैं वो स्लाइडिंग के ऑप्शन में मिल जाते हैं। पीछे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एसी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया गया है, इस बटन की हेल्प से आप वॉल्यूम उसकी अप एंड डाउन कर सकते हैं। नीचे आपको दो चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे मिल जाते हैं, एक फोन का चार्जर के लिए आपको सॉकेट दिया गया और एक USB के चार्जर के लिए एक सॉकेट मिल जाता है। नीचे आपको फोन होल्डिंग के लिए एक स्पेस थोड़ा सा मिल जाता है। डोर्स की अगर हम बात करें तो डोर्स में आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए एक लीवर मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने विंडो के ग्लास एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको सॉफ्टेस्ट लेदर का इस्तेमाल किया गया है, तो काफी कंफर्टेबल आपकी राइड रहने वाली है। और नीचे आपको स्पीकर्स की हाउसिंग मिल जाएगी, यहाँ पे बोतल होल्डिंग का स्पेस है और थोड़ा मैगजीन होल्डर के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ रियर सीट्स की, तो इसमें रियर सीट्स में भी जो है थाई सपोर्ट काफी बढ़िया दिया गया है, और लेग स्पेस तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है, पहले से ही बलेनो में स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं आती थी। और यहाँ पे बीच में अगर हम बात करें तो कोई भी हैंडरेस्ट आपको नहीं दिया गया है, एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी आप हैंडरेस्ट अपनी जेन्युइन एसेसरी में लगवा सकते हैं। बाकी सीट्स की कुशनिंग काफी बढ़िया इसमें दी गई है। गाइस दिस इज द इंजन बे कंपार्टमेंट ऑफ मारुति सुजुकी बलेनो अल्फा वेरिएंट। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 89 bhp की पावर देगा, और टॉर्क आपको वहीं 113 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंजन के नीचे आपको इंजन अंडरबॉडी गार्ड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जिससे अगर आप कहीं पानी वाली एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो स्प्लैश हैं वो आपके इंजन में आपके नहीं आएंगे। बाकी गियरबॉक्स आपको मैनुअल और AMT इसमें ऑफर किया जाता है। AMT मीन्स ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। पहले आपको इसमें CVT गियरबॉक्स आता था, तो जिसमें आपको उतनी माइलेज सही नहीं मिल पाती थी, बट AMT में आपको जो है माइलेज काफ़ी इनहेंस होकर मिलने वाली है। तो इसमें जो है AMT के कारण इसमें थोड़ा सा प्राइस जो है वो भी आपको रिड्यूस कर दिया गया। सो गाइज दिस वॉज द ओवरऑल वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ बलेनो अल्फा वेरियंट फ्रॉम इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।